हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में हम कंप्यूटर फॉरेंसिक्स या साइबर फॉरेंसिक्स कवर कर चुके हैं, और उसके बाद हमने साइबर क्राइम्स और साइबर क्रिमिनल्स के बारे में जाना था। आज हम साइबर सिक्योरिटी को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं अपने नेटवर्क्स को, डिवाइसेस को या प्रोग्राम्स को, जिससे कि हम उन सारे के सारे आपके डिवाइसेस, नेटवर्क्स और प्रोग्राम्स को बचा सके किसी भी साइबर अटैक से। ठीक है ना? तो कोई भी साइबर अटैक हमारे डिवाइसेस में, प्रोग्राम्स में या नेटवर्क्स में ना हो, इसके लिए जो भी हम प्रोटेक्टिंग और रिकवरिंग मेथड्स यूज़ करते हैं वो साइबर सिक्योरिटी कहलाएगा। साइबर सिक्योरिटी में हमेशा जो भी कंप्यूटर की इंटीग्रिटी होती है उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा जो हम बचा के रखना चाहते हैं किसी भी साइबर अटैक से, वो सब आते हैं। साइबर अटैक में आपका अधिकतर खतरा होता है बिग ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर एम्प्लॉयज़ को और कंज्यूमर्स को, किसी को भी जो कंप्यूटर्स से डील करता है या इंटरनेट से डील करेगा, उन सबको इससे खतरा हो सकता है। और यहाँ पे हम देखें तो जो भी आपके एसेस और डिस्ट्रॉय करना किसी भी आपके पर्टिकुलर डेटा को, या फिर उस डेटा के थ्रू आपके मनी को एक्सट्रॉट करना, ये एक साइबर अटैकर का मोटिव होता है। तो आपको इन्हीं मोटिव को नलिफाई करना होता है साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। तो हम यहाँ पे देखें, बिना किसी सिक्योरिटी प्लान के अगर कोई भी प्लेस पे हम काम करते हैं तो हमारे कंप्यूटर से या फिर हमारे जो भी डिवाइसेस हैं और हमारी जो इंटरनेट जोन है उससे कोई भी हैकर इजीली कोई हमारा पर्सनल डेटा या कोई भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन को एसेस कर सकता है, निकाल सकता है और उसका मिसयूज़, दुरुपयोग कर सकता है। तो यहाँ पे अधिकतर हम बात करें जो भी आपके नए फॉर्म में हम देखें, अभी मॉडर्न वर्ल्ड में हम देखें तो हम टोटली रिलाई करते हैं कंप्यूटर पे और इंटरनेट पे, और इसलिए अधिकतर हम देखें तो इंटरटेनमेंट हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिसिन, शॉपिंग, एजुकेशन, हर एक चीज़ अभी कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट है। तो हम नहीं चाहते कभी भी कि हमारा डेटा जो इंटरनेट पे है वो किसी भी तरीके से रियून हो या उसमें किसी भी तरीके से उस डेटा का मिसयूज़ हो। ओके? तो हम अधिकतर बैंकिंग्स में हम देखें तो वहाँ पे अधिकतर आपका डेटा टोटली ऑनलाइन चलता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी का एक प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या क्या साइबर सिक्योरिटी में आता है और मेन टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, देन एप्लीकेशन सिक्योरिटी, देन नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। ठीक है? तो ये मेन टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटीज़ हैं। सबसे पहले बात करें हम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी की, तो ये एक ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसपे कि हमारी सोसाइटी डिपेंडेंट है, रिलाई करती है, और यहाँ पे आपके सारे के सारे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स आते हैं सिक्योरिटी के लेन में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड हो गया, या फिर वाटर प्योरिफिकेशन यूनिट्स हो गई, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, शॉपिंग सेंटर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब आपके आते हैं किसी भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी के फॉर्म में। इनको विशेष सिक्योरिटी की ज़रूरत चाहिए होती है। अब यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी और रेजिलाइंस होती है एक पर्टिकुलर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो विविध हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे हम सोसाइटी की सेफ्टी भी देखते हैं और सोसाइटी का वेलबींग भी देखते हैं। तो सपोज़ अगर हॉस्पिटल की कोई सिक्योरिटी है, कंप्यूटर से ही अब सारी डिवाइसेस काम कर रही हैं, और उन कंप्यूटर डिवाइसेस को कोई हैक कर ले और उसको मिसयूज़ कर ले, तो पूरी हॉस्पिटल की सेफ्टी पे बनाएगी। तो इसलिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इस तरीके की क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स चला रही होती हैं उनको इस आपकी साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना? और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अधिकतर हम जो भी हमारे कंटिजेंसी प्लान्स हैं या जो भी इवेल्यूएशंस हैं कि अटैक होने वाला है या कोई अटैक किस कहाँ कहाँ से कर सकता है, लूप होल्स क्या होंगे अटैक के, साइबर अटैक के, उनके बारे में विशेष नॉलेज होना चाहिए और उनके ऊपर कंटिजेंसी प्लान डेवलप करना ही साइबर सिक्योरिटी का प्लान होगा। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी में वो सारे सिक्योरिटी मेजर्स आते हैं जो प्रोटेक्शन सिस्टम के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना? तो एप्लीकेशन जैसे नाम ही बता रहे हैं, इस्तेमाल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर मेथड्स को यूज़ करते हैं किसी भी एक्सटर्नल थ्रेड से बचने के लिए। ठीक है?
अब यहाँ पे जब भी हम इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स या हार्डवेयर मेथड्स से डील कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपकी कोई डेवलपमेंटल स्टेज में ही आपके कोई थ्रेट आ जाए या सिक्योरिटी एरर आ जाए, तो उससे डील करना भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी का काम होगा। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आते हैं एंटीवायरस प्रोग्राम्स हो गए जैसे, या फिर फायरवॉल्स हो गए, या इंक्रिप्शन प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है ना, जो टोटली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बेस्ड होंगे और ये सिक्योरिटी के मेजर ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। यहाँ पे आपकी जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, आपके कंप्यूटर में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर ले, इससे बचाने के लिए एप्लीकेशन सिक्योरिटी यूज़ की जाती है। तो जैसे एंटीवायरस का इंस्टॉलेशन हो गया, तो कोई भी कंपनी जो होती है वो इस तरीके के सेंसिटिव डेटा को डिटेक्ट करती है, और सेंसिटिव डेटा के को एसेट करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाती है जो सिक्योरिटी पर्पस की होती है, जिससे कि हम अपना पर्सनल डेटा या अपना जो भी ऑर्गेनाइजेशनल डेटा है, एंटरप्राइजेज डेटा है, उसको सिक्योर कर सके। और इसके लिए डेवलपमेंट और प्रोटोकॉल मेथड्स के थ्रू सिक्योरिटी प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी में आते हैं वो सारे के सारे इंटरनल नेटवर्क एरियाज जो कि इजीली आपके किसी भी थ्रेड के थ्रू मलिशियस किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें आपके जो भी नेटवर्क सिक्योरिटी है वो बेसिकली डील करती है जिस भी नेटवर्क पे आप काम कर रहे हैं, तो इंटरनेट रिलेटेड जो भी सिक्योरिटी होगी वो नेटवर्क इश्यू में आएगी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में आपके वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग्स, वो सारे के सारे मॉनिटरिंग सिक्योरिटी टीम्स आएंगी जो किसी भी तरीके से कोई साइबर अटैक ना हो जाए आपकी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में, उससे प्रोटेक्ट करेगी। तो जैसे आपका कोई भी लॉगिन पासवर्ड है उसको प्रोटेक्ट करना, कोई भी आपका गूगल या जीमेल का पासवर्ड है, आपकी आइडेंटिफिकेशन है, वो लीक ना हो जाए, इस तरीके की सिक्योरिटी से डील करेगी नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी में वो सारी पॉलिसीज और प्रोसीजर आएंगे जिससे कि कोई भी अनऑथराइज एसेस ना कर सके आपके पर्सनल डेटा से या फिर आपके पर्सनल आइडेंटिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी भी नेटवर्क का, इस पे ध्यान दिया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं जैसे एक्स्ट्रा लॉगिन्स, ठीक है, नया पासवर्ड बना लेना, तो ये टोटली हैकिंग के आपके प्रिवेंशन मेथड्स होते हैं। या फिर एप्लीकेशन सिक्योरिटी आ जाएगी जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम्स, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स डेवलप करना, इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स, मॉनिटर्ड इंटरनेट एसेस, ये सब आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में आएंगे। और इसके लिए जो भी इंटरनेट के बिग डूड्स होते हैं वो सब इस तरीके के नेटवर्क सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन से डील करते हैं। नेक्स्ट आ गया क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी में आते हैं बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिक्योरिटी होती है, तो सॉफ्टवेयर के ऊपर निर्भर जो भी सिक्योरिटी टूल होगा वो आते हैं। ये प्रोटेक्ट करते हैं और मॉनिटर करते हैं जो भी डेटा क्लाउड रिसोर्सेज में प्रेजेंट होता है। क्लाउड रिसोर्सेज जस्ट लाइक गूगल ड्राइव्स में, तो क्लाउड प्रोवाइडर्स इस तरीके के आपके नए टूल्स एंड टेक्निक्स डेवलप करते रहते हैं, प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं ताकि आपके डेटा को वो सिक्योर कर सकें, ठीक है ना। अब इसके लिए जो बिग डूड्स हैं अगेन जैसे गूगल ड्राइव्स हो गए, तो ये आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए सर्टेन सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए जो डेटा या जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स डेवलप करेंगे वो सारे के सारे टूल्स क्लाउड सिक्योरिटी में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर किसी हम इन्वायरमेंटल प्रिमाइस की बात करें, ऑन प्रिमाइस इन्वायरमेंट की बात करें, तो वहाँ पे जो भी यूज़र है वो एक एवरेज कंडीशन में 61.4 अटैक से डील करता है एक यूज़र। तो एक यूज़र को 61.4 अटैक से बचाने का ही मोटिव होता है इस तरीके के आपके क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये बचा के रखते हैं किसी भी कस्टमर के जो भी इंटरनेट अटैक्स होते हैं या हैकिंग्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी हम देखें कि सर्विस प्रोवाइडर के इन्वायरमेंट में भी अगेन 27.8 अटैक्स होते हैं ऑन एन एवरेज एक कस्टमर को, ठीक है। तो इतने 61.4 अटैक से बचा के 27.8 अटैक्स तक ये लाने की कोशिश करते हैं। अब इस तरीके की मेंटेनिंग में क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी में आपके जो भी ट्रेडिशनल ऑनलाइन डेटा सेंटर्स हैं या फिर जो भी आपके बिग डेटा फैसिलिटीज़ हैं उन सब के डेटा को हम यहाँ पे सिक्योर करते हैं क्लाउड सर्विसेज के थ्रू या क्लाउड सिक्योरिटी के थ्रू, ठीक है ना।
इस तरीके की जो आपकी क्लाउड सिक्योरिटीज़ होती हैं, इनसे आपको मिनिमम रिस्क होता है किसी भी तरीके के सिक्योरिटी ब्रीचेज़ का। तो ये सिक्योरिटी ब्रीचेज़ ना हो सकते, कोई भी आपकी सिक्योरिटी क्रैक ना हो जाए, इसका ध्यान रखते हैं क्लाउड सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सिक्योरिटी को हम IoT सिक्योरिटी भी कहते हैं। अब देखो IoTs क्या होते हैं, IoTs बेसिकली डील करते हैं उन सारे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल साइबर फिजिकल सिस्टम से, जैसे कि अप्लाइंसेस हो गए, कोई सेंसर्स हो गए, टेलीविजन्स, वाईफाई राउटर्स, प्रिंटर्स, सिक्योरिटी कैमराज, ये सब हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे फिजिकल सिस्टम्स होंगे जो एनी हाउ डील करेंगे किसी ना किसी आपके फिजिकल सिस्टम से, ठीक है ना। तो ये सारे फिजिकल सिस्टम्स जो सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अभी हम देखें तो IoTs में आपके स्पेसिफिक वर्क्स क्या होते हैं, तो स्पेसिफिक वर्क्स की बात करें हम, तो ये डेटा सेंटर्स होते हैं IoTs के अपने, एनालिटिक्स होती है, कंज्यूमर डिवाइसेस होते हैं IoTs के, और नेटवर्क, लिगेसी, एम्बेडेड सिस्टम, या फिर कोई भी आपके जो कनेक्टर्स होते हैं वो सब आते हैं IoTs में, ठीक है। तो IoTs से डील करने, सपोज मैं एक आपका स्पाई कैमरा या फिर सिक्योरिटी कैमरा लगा रही हूँ, तो CCTV कैमरा मैंने लगाया, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा कभी भी बिना आपके फैसिलिटी के काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपको उसमें कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई ना कोई आपको सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा, तो उन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी थ्रेड्स होंगे वो उनको डील करने के लिए या उनको एनी हाउ रिड्यूस करने के लिए हम IoT सिक्योरिटीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो सारी कोर टेक्नोलॉजी जो डील करेगी इस तरीके के डिवाइसेस की सिक्योरिटी पर्पज़ को, वो आपकी IoT सिक्योरिटी कहलाएगी, ठीक है। IoT सिक्योरिटी में क्या आएंगे, सारे डेटा सेंटर्स, एनालिटिक्स, कंज्यूमर डिवाइसेस, नेटवर्क्स, लिगेसी एम्बेडेड सिस्टम्स और कनेक्टर्स आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं IoT सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं, इनके साथ इजीली छेड़छाड़ की जा सकती है और इनसे रिलेटेड जो भी डेटा है वो चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसलिए जो IoT डिवाइसेस होते हैं, जैसे CCTV कैमराज या सेंसर्स हो गए या राउटर्स हो गए, इनमें कोई भी सिक्योरिटी पैचिंग नहीं होती है अधिकतर, या फिर होती भी है तो बहुत कम होती है, तो इसलिए ये वल्नरेबल होते हैं, इजीली इनमें मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। यहाँ पे हम देखें तो इन इनको लगाने से पहले हमें यूनिक सिक्योरिटी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस में हम क्या करते हैं, देखो आपके जो भी इंटरप्राइजेज हैं, बेसिकली अगर हम बात करें जो इंटरप्राइजेज हैं वो क्या करते हैं, सर्टेन IoT अडॉप्शन टेक्निक्स अप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या करेंगे, ऑन एन एवरेज बहुत ज़्यादा IoT डिवाइसेज ले लेते हैं, ठीक है ना। और जितने ज़्यादा IoT डिवाइसेज होंगे उतना सिक्योरिटी कंसर्न इनमें रहेगा। तो IoT डिवाइसेज भी ज़्यादा होंगे, इनके एड्रेसेस भी ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा CCTVs होंगे तो आप कितने CCTVs को आप हैंडल कर सकते हैं या कितने CCTVs को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बेटर रहेगा सिक्योरिटी के लिए। तो एक यही एक ऑप्टिमिस्टिक वे होता है किसी भी IoT डिवाइस को डील करने के लिए बेसिकली। तो अभी हम बात करें साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की, तो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या थ्रेट है, टू आइडेंटिफाई अ थ्रेट कि कहाँ से खतरा है, हमारे डेटा सिक्योर कहाँ से नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। दूसरा हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कहाँ पे वीकनेस है, हमारे डेटा जो थ्रेट है वो कहाँ से हो रहा है, कहाँ पे लूप होल है हमारे डेटा को स्टोल करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम कोशिश करते हैं जो भी आपका रिस्क एक्सपोजर है उसको एसेस करने की, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिनिमम आपके जो भी डेटा एक्सप्लॉइट हो रहा है उसका मिनिमम रूट यहाँ पे रखते हैं, तो सिक्योर करना और सेफ वे में फंक्शन करने के लिए क्या बेहतर बेहतर टेक्निक्स होंगी, उनको हम यहाँ पे आपके साइबर सिक्योरिटी के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट इन टेक्निक्स में हम स्पेसिफिकली इन टेक्निक्स को जान के हम स्पेसिफिकली एक डिज़ाइन करते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर। तो डेवलप करना प्रोटेक्शन टेक्निक को या डिटेक्ट करना किस तरीके के मीज़र को हमें अप्लाई करना है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये भी साइबर सिक्योरिटी का काम है। नेक्स्ट किस तरीके का कंटिजेंसी प्लान हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। कंटिजेंसी प्लान मतलब कि हमें आपका कोई भी जो नया रूट है या नया मॉडिफाइड वे है कंट्रोल करने के लिए आपका जो भी डेटा थेफ्ट है उसे, उसके लिए हम यहाँ पे कंटिजेंसी प्लान बना लेते हैं, ठीक है, ताकि मिनिमाइज हो सके कोई भी डेटा थेफ्ट। और जब हम कंटिजेंसी प्लान बना लेते हैं, एक ऐसा मॉडिफाइड प्लान जिसके थ्रू हम बचा सक रहे हैं अपने डेटा को,
तो उसके बाद हमें देखना होता है कि किस तरीके के साइबर सिक्योरिटी में रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है ना। अगर अभी भी जब हमने कंटिजेंसी प्लान बना लिया तभी भी हमारे डेटा को कोई थेफ्ट है या डेटा हमारा कहीं से लीक हो जा रहा है या कोई उस पर कोई भी मिस फंक्शनिंग कर ले रहा है, तो अब हमें उस साइबर सिक्योरिटी जो भी आपका इंसिडेंट है उसको टैकल करना पड़ेगा, उसे डील करना पड़ेगा। उसे डील करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट पे फिर से काम करेंगे। और फिर से काम करने के बाद हम उस थ्रेट को, जो भी खतरा था हमारे डेटा का, ठीक है ना, जिसके थ्रू हमारे डेटा लीक हुआ है या मॉडिफाई हो गया है, उस खतरे को पहचानेंगे। अगेन आइडेंटिफाई अ थ्रेट, देन आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, देन असेस रिस्क एक्सपोजर, देन डेवलप एंड प्रोटेक्शन एंड डिटेक्शन मीजर, establish a contingency plan and finally respond to security incidents, ठीक है। तो ये सारा cyber security awareness में आता है। तो that is all about the cyber security. Thank you.